कुत्ते देखा, मैं इनको आके बोला कुत्ते गोबर खा रहा था। बता, मैं देखता हूँ, बाय। मैंने अभी देखता हूँ, अंकल और आंटी जी बहुत मतलब सेवा करते हैं कुत्तों के लिए भाई, खाना वाना मैं अपना सारा मैं देखता हूँ रात में, नंबर आप देख लो। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एवी 7000 ब्लॉग। गाइस हैप्पी मकर संक्रांति टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली, माय ऑल इंडिया, और भाई सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आपस में रूठे हुए हैं भाई मान जाओ, ठीक है, और जो मेरे से रूठे हुए हैं वो भी मान जाओ, सपोर्ट करो, और हैप्पी मकर संक्रांति अगेन टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो गाइज अभी तो मैं घर पे ही हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे आज, तो थोड़ी देर में चलेंगे बाहर, फिर मिलते हैं बाहर चल के। तो अभी तो भाई इंडिया और अफगानिस्तान का मैच देख रहा हूँ मैं, अभी मैच स्टार्ट हुआ है और 11 ओवर हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर में चलूँगा बाहर, आपको दिखाऊँगा थोड़ा सा, 5-6 मिनट का एक ब्लॉग बनाएंगे। तो भाई मैं अभी चल दिया हूँ गाड़ी अपनी स्टार्ट करके, और अभी चलते हैं, पहले कुछ खाने का सामान लेते हैं, फिर गाड़ी में तेल वेल डलवाएंगे क्योंकि कल सुबह निकलना है। तो अभी सारे काम ख़त्म कर देते हैं, और आप लोग भी अभी खाना वाना खा लो, डिनर का टाइम हो रहा है। तो आज सर्दी वैसे थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि लोहड़ी के बाद कम हो जाती है, और मकर संक्रांति वाले दिन तो होती थोड़ी सी कम है। तो अभी चलते हैं भाई शॉप में और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखो गाइस, ये छोटी सी एक शॉप है, द करी एंड नूडल्स चाइनीज़ एंड थाई फूड, ये अंकल की दुकान है, बहुत पुरानी, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। और ये कौन लटा रखा है, सो रहा है ना? और अंकल क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। मिलो जी हमारे शेफ साहब से। और हो गया माल तैयार? हो गया सर। तो गाइस अभी ले लेते हैं, क्या और क्या बना रहे हैं? अच्छा वो तो साफ कर रहे हैं, तो अभी डाइट ले लेते हैं फिर चलते हैं आगे। अंकल कम से कम भी 10 साल पुराना इनको एक्सपीरियंस है जो सुल्तानपुर में काम कर रहे हैं। तो गाइज अभी मैं चलते हैं अंदर, अभी चलते हैं अंदर, और एक सैंडविच लेना है मुझे ना स्टारबक्स से। एग वाइट चिकन इन दे दो एक, है ना, बाकी तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं। और तो भाई एग वाइट और चिकन इन वाला ठीक है, मीठा मैं खाता नहीं हूँ। तो गाइस ऑर्डर मिल गया अपना, अब चलते हैं बाहर गाड़ी में खाते हैं इसे। और गाइस मैं निकल गया हूँ अभी वापस घर के लिए, तो रास्ते में देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको ना, ये सामने आपको गाड़ी दिख रही है ना, ये एल्टो खड़ी है, जो ये जो जा रही है देखो, ये हर डेली चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये देखो अभी निकल गई मैं थोड़ा लेट हो गया, ये डॉगियों के लिए काम करती है गाड़ी एल्टो जो है ना, इसमें एक लेडीज़ और एक जेंट्स है, वो डेली ना कुत्तों को खाना खिलाती है। यार ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, हम भी एनजीओ चलाते हैं, और जब भी मैं किसी को ऐसे देखता हूँ जो ऐसे लोगों की मदद या कोई जानवरों की मदद करते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे लोग ना, आगे बढ़ के आना चाहिए। अभी पता नहीं कहीं और भी रुकेगी गाड़ी, तो शायद देखते हैं आगे चल के। देखो गाइस ये डॉगी जो आ गया ना, देखो और ये गाड़ी रुकी है, देखो ये मैं आगे गाड़ी लेफ्ट लगाता हूँ यहाँ से ना। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो अंकल जी, मैं डेली आपको देखता हूँ। अच्छा, आते जाते हाँ आप खाना, मैं एक सेकंड। देखो गाइस ये मैं बता रहा था ना, आंटी जी आप बहुत अच्छा काम करते हो, मैं आपको डेली देखता हूँ आते जाते ना, आप उधर पीछे खड़े होते हो ना आप लोग, हाँ तो मैं हाँ कई बार आप मैं निकलता हूँ तो मैं आपको देखता हूँ वहाँ से जाते हो, गाड़ी मैंने पहचान ली थी। अच्छा जी जी जी, मैं बोला कौन है पीछे? नहीं 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 नहीं, ये देखो डर लगता है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल डर लगता है बच्चों को खाना देने की, देखो लोग खाना देना चाहिए। हमारे भी एनजीओ है आंटी, हम बच्चों के लिए काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, बस्ता फाउंडेशन नाम है हमारे एनजीओ का ना, हम बच्चों की एजुकेशन एंड लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं। आपकी कोई फाउंडेशन बनाई है आपने? वैसे ही नहीं, मैं सब खाना, हाँ नहीं ठीक है, खाना देती हूँ और जो होगा मैं देखता हूँ। बाय। मैंने अभी ये वाला टर्निंग पे ना वो शेड बनाए थे मैडम ने, यहाँ पर सिल्वर ऑक से बनवा दिए थे,
अब उसकी चद्दर उधर सारे उठा लिए किसी ने, परमानेंट शेड बनाकर। अच्छा यहाँ पे इधर ये कॉर्नर पे, कॉर्नर पे तो ये स्कूल के सामने यहाँ जाएंगे। हाँ मैं समझ गया, राइट शिवनादर वाले पे, शिवनादर लेफ्ट हैंड साइड पे दो हार्ट जैसे बना हुआ था, उठा के ले गए, ऊपर चद्दर डाले थे और चद्दर उठा कर किसी ने। बताओ अजीब लोग है। तो गाइस मैं बहुत दिन से देखता हूँ अंकल और आंटी जी बहुत मतलब सेवा करते हैं कुत्तों के लिए, भाई खाना वाना सारी चीज़ें जो अपार्टमेंट से डॉगी निकाल दिए गए हैं। तो आप लोगों से भी मेरी यही है कि आप मकर संक्रांति के दिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप भी आगे निकल के आओ, ये भी जीव हैं भाई, इनका भी मन है और सर्दी इनको भी लगती है, भूख भी लगती है। तो जितना आपसे हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि 10 रुपये 20 रुपये, जिससे जैसे आपसे बन पाए वैसा आप हेल्प करो भाई लोगों के और आगे बढ़ के साथ दो तो बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए, और काम करना चाहिए, पुण्य का काम है। ये देख लो अंकल की गाड़ी, गुड़गांव में अपना सारा मैं देखता हूँ रात में, नंबर आप देख लो। और अभी मैंने अंकल से बात की तो आप ये लगा लो कि बिल्कुल 1 रुपये का कोई वैसा नहीं है कि किसी से मांगते हो कुछ करते हो, अपनी श्रद्धा से करते हैं। वो मेरी गाड़ी खड़ी है, AB 7000 आपको दिख रही है। तो गाइस मैं शेयर करूँगा नंबर अंकल का आपके साथ में भी, तो आपसे जितना बन सके आप अपने एरिया में भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास ही आके आप दो, आप अपने एरिया में भी हेल्प करोगे तो वो ऑटोमेटिक सबके लिए लग जाएगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, अंकल हाय बोल दो मेरी YouTube फैमिली को। आंटी तो गाय नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आप लोग की सेवा करिए। जी जी तो मिलते हैं गाइस, अभी के लिए सेवा होना चाहिए जी। हम सारे सभी मंदिर करता है, मुझे ये लगता है कि मंदिर से हमारा सेवा मंदिर के अलग काम है, या हमारा काम जो होता है ना, बिल्कुल हम इंसानी के कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल अपना कर्म करो भाई, कर्म करो कि हमने सारे पैसे आप अपने बच्चों के लिए लगा लिए हैं और सारे जिंदगी हमें खाली हाथ ही जाना है, हम कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। बिल्कुल जितना भी प्रॉपर्टी है सब रखे। तो भाई ऐसे विचार रखने चाहिए मन में, तो हम सोचते हैं जो कुछ करके जाएंगे तो कुछ हमें साथ जाएंगे। मैं तो यही सोच के रखी हुई। मैंने एक दिन देखा जब जा रही थी शॉप पे, तो मुझे ये लगा ये कुत्ते देखा, मैं इनको आके बोला कुत्ते गोबर खा रहा था। बताओ मतलब इतना बड़े बड़े सोसाइटी, इतना पैसा, इतना कुछ है, फिर भी कुत्ते जानवर जो है इनके लिए इतना भी प्यार नहीं है, जो दो बिस्किट फिर क्या होती है उनकी, ये जो चीज़ है ना, जैसे आपने गोबर खा रहे, तब से मैंने सेवा शुरू किया है कि किसी को भूखा ना रहे रात को। अब कोई बोलता है गांव में, अरे कुत्ता रो रहा है तो बहुत बुरा, अरे उसका पेट की भूख है भाई, वो भूख के रो रहा है, लोगों को लगता है कि वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, मर रहा है। अभी देखिए कोई कुत्ते रोता है यहाँ पे, नहीं रो रहा है, कोई नहीं रो रहा। जब भूखा रहता, मेरे पीछे कोई कुत्ते डॉग्स दीदी भौंकता है ना, तो मैं पहले उसको खाना देती हूँ। इनको मैंने बोला जब भौंकता है मतलब उसको भूख है तभी भौंक रहा है, नहीं अब जिस दिन से भूख खाना खाए वो भौंकता ही नहीं है। तो इस चीज की है, मेरे को ये लगता है कि देखो जिंदगी में कुछ नहीं है, डॉग्स के लिए कुछ तो करना चाहिए। आप डोनेट तो करो किसी को, आप नहीं कर सकते, किसी को दो, किसी को करवाओ, खाना डोनेट कर दो, जरूरी नहीं है पैसा ही, आप खाने के उससे भी आप कर सकते हो। आजकल क्या बोलता है ये नहीं खाना, मैं डॉग मुझे काटता है, अरे भाई दो बिस्किट डाल के देख तेरे पीछे घूमेगा, नहीं काटता। गाइस आपने मेरा वाला डॉगी भी देखा होगा, स्ट्रीट डॉग जो है वो बिल्कुल खाना बिस्कुट आप ऐसे हाथ से खिला दोगे ना मुंह में आपको टच तक नहीं करेगा, तो भाई ये बुरे नहीं होते और सबसे सबसे वफादार। इनको हाथ लगाओ कुछ भी करो खाना, अभी वहाँ पे मैं बस स्टॉप के पास इतना एक साथ रहते हैं, एक साथ ही देता हूँ सबका बोल। हाँ मैंने देखा है, आपने देखे होगा। देखा, देखा। हाँ तो वहाँ पे 10 है, उस साइड भी जाता, उस तरफ छिनताई के लिए लोग बोलता है ना, पहले उधर खड़े करते थे मैं गाड़ी, तो उस तरफ से भी बहुत डॉग को इनको बोल लगा के। तो गाइज आपने देखा भाई कैसे अंकल आंटी मैंने आपको दिखाए जो मुझे मिलते हैं डेली, में देखता हूँ इन्हें, तो भाई बहुत अच्छा लगा देख के। और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ घर पे अपने, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग भी जितने ज़्यादा हो सके मदद करें। और हाँ जो रेड लाइट पे जो मिलते हैं ना लोग, ये आपको रेड लाइट पे जो होते हैं इनको भाई 1 रुपया मत दे देना, मेरी आपसे ये बहुत बड़ी आपसे विनती है और क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट है कि इन रेड लाइट पे पैसे मत दे देना किसी को भी। ये भाई चर्सी होते हैं, एक इनकी यूनियन होती है, बच्चों से काम कराया जाता है, तो हम तो बिल्कुल इसके एंटी हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल अपना केयरफुल रहें, और रेड लाइट पे ये बहुत मतलब कि चोर भी होते हैं, चर्सी होते हैं, गांजा पीने वाले होते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं, बच्चों के साथ काम कराते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, इन सब चीज़ों के एंटी करो, इनको इनका बायकॉट करना है, इनको बच्चों को लाइफ ख़राब करी जा रही है बच्चों की। तो गाइस अभी चलता हूँ मैं घर की तरफ आगे, और आई होप सबकी मकर संक्रांति अच्छी मनी होगी। तो अभी घर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू।